ग्रुप के कन्वीनर श्री विजय जौली जी और हमारे राज्यसभा में डिप्टी लीडर अपोजिशन श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमती पिंकी आनंद जी, विजेंद्र गुप्ता जी, आरती मेहरा जी, सिद्धार्थ जी, प्रवेश वर्मा और हमारे भूपेंद्र जी, ये सब मेरे आवास पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने आवास पर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को स्वागत करता हूं। साथ ही आई वांट टू वेलकम ऑल द डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री एट माय रेजिडेंस। पहले तो मैं विजय जौली जी को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि विजय जौली जी ने, मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना शानदार कार्यक्रम होगा, नहीं तो मैं स्वयं भी अपनी तरफ से कोई ना कोई इसमें पहल करता। लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि यह चित्र कुछ बदला होगा और आज उस समय आप बड़े गर्व के साथ ये कह सकेंगे कि हम जिस पार्टी के सदस्य हैं वह पार्टी आज प्रतिपक्ष की पार्टी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी बन गई। बहनों को हरियाली के पर्व के संबंध में जानकारी देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वह जानती हैं इस हरियाली तीज का क्या महत्व होता है। अभी हमारे कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी, जो कि आर्य समाज के एक अच्छे कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने बताया कि यह वैदिक त्यौहार है। सांस्कृतिक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक यह वैदिक त्यौहार है। और हरियाली तीज के बारे में जब लोग, जो धरती है, जो हरी भरी धरती है, इस धरती के साथ इसका सीधा संबंध है। इस दिन सारे हिंदुस्तान की अथवा भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाली जो माताएं और बहनें, चाहे वह भारत में रहती हों अथवा दुनिया के किसी भी कोने में रहती हों, हमारी यह धरती माता सदैव हरी भरी रहे, इसके लिए वह बराबर पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं। आज के अवसर पर माताएं बहनें सामान्यतः हरा वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिंकी आनंद जी को छोड़कर और शायद ही कोई बहन हरे वस्त्र में दिखाई दे रही हो। और यह भी प्रथा हम लोगों की तरफ है कि हरी चूड़ियां भी आज पहनी जाती हैं। और आज के दिन ईश्वर से यह भी प्रार्थना की जाती है कि जिस समाज के हम अंग हैं वह समाज सदैव इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ जुड़ा रहे, यही हम आज के अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि यह माताओं और बहनों का त्यौहार है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस समय जो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार है, इस सरकार के शासनकाल में बढ़ती हुई महंगाई के कारण सबसे बड़ा खामियाजा यदि किसी को भुगतना पड़ा है तो हमारी हिंदुस्तान की माताओं और बहनों को भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि उनके रसोई घर के चूल्हे की आग भी अब ठंडी पड़ चुकी है। वैसे तो हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है इस देश में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 6 वर्षों का शासनकाल रहा है उससे कौन नहीं परिचित। मैं समझता हूं भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक, सबसे पहले लगातार 6 वर्षों किसी भी सरकार के शासनकाल में प्राप्त हुई है तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में प्राप्त हुई है। मैं देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि देश भर की सारी माताओं बहनों को इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो आज हरियाली तीज के अवसर पर हमारे मस्तिष्क में कौंध रहा है कि हमारे यहां आज से नहीं प्राचीन काल से बराबर नारियों के प्रति पुरुषों का एक सम्मान का भाव रहा है। और हमारे यहां तो यह भी हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र दैवाः रमन्ते, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का रमण होता है, यानी देवता वास करते हैं। यह कल्पना हमारे देश में बहुत पहले से रही है, लेकिन आज भारत की राजधानी दिल्ली में ही जिस तरीके से माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू असुरक्षित हो गई है, माताएं और बहनें अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही नहीं कई स्थानों पर,
ये हालात आपको देखने को मिलेंगे। ये एक चिंता का विषय। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए कठोर कानून बनेगा, लेकिन मैं समझता हूं कठोर कानून बनाने से ही इसे नहीं रोका जा सकता, बल्कि लोगों के सोच और चिंतन में भी परिवर्तन लाने के लिए भी कोई एक प्रयास शासन की तरफ से होना चाहिए। और हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें भी कुछ न कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जन सामान्य के अंदर पैदा हो सके। और जब मैं देखता हूं, आम महिलाओं की बात तो छोड़िए, यानी जो सरकारी सेवाओं में महिलाएं, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश दिल्ली का यह पड़ोसी राज्य है। आप बराबर आजकल कुछ दिनों से टीवी चैनल पर यह देख रही होंगी, इसकी नियुक्ति हुई थी, बहुत ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही थी, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ के लोगों के द्वारा कहे जाने पर उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया, उसे निलंबित कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे सारे हिंदुस्तान के अधिकारियों का, ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूटा। यह भी मैं मानता हूं कि किसी भी अधिकारी को अनुचित कार्य यदि कोई करता है, नाजायज कार्य यदि करता है, उसे निलंबित किया जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ यदि अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हो, ऐसे ईमानदार अधिकारियों के नए अधिकारी को जिस तरीके से निलंबित किया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी सारे हिंदुस्तान में निंदा हो रही है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूं कि तत्काल दुर्गा शक्ति नाम की, दुर्गा शक्ति नागपाल का जो निलंबन हुआ है, उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। यह सारे हिंदुस्तान की आम नागरिकों की यह एक मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मंशा को समझना चाहिए और उसको निलंबित कराने में जो भी दोषी हैं, जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर इस देश में महंगाई को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और अपनी प्रतिबद्धता को अवसर मिलने पर हमने दिखाया भी है, आगे भी अवसर मिलेगा हम इसे दिखाएंगे, और साथ ही साथ अपनी सरकार आने के बाद इस हिंदुस्तान की माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू को भी सुरक्षित करने के लिए जितना प्रभावी से प्रभावी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, हमारी सरकार उठाएगी। आज इस हरियाली तीज के अवसर पर यह बात भी मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं भैया जौली जी, पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना एक शानदार कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है, और पिंकी आनंद जी को भी बधाई देना चाहता हूं। वैसे तो इसमें हमारे भूपेंद्र जी का भी और कई भाइयों का और बहनों का, हरियाली तीज का आयोजन एक भाई इनिशिएटिव लेकर करे, मैं समझता हूं कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से विजय जौली जी का स्वागत होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।